हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर फर्स्ट के अप्लाइड फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं अपन। लास्ट टू वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है दैट इज़ कुछ मात्रक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, देर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स बात की है हमने, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स जो कि मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, पूरक मात्रक। उसके अलावा मात्रक पद्धतियाँ, कुछ यूनिट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किए हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। मात्रक पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी MKS, CGS, FPS और SI यूनिट सिस्टम। इसी कंटिन्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, विमा एवं विमीय सूत्र हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। मूल मात्रक जैसा कि हमने बताया सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन मूल मात्रकों को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं विमीय रूप में, कहें अपन। द्रव्यमान को हम m लिखते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में और ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई l, समय t, ताप टेम्परेचर को थीटा से, विद्युत धारा a, ज्योति तीव्रता i और पदार्थ की मात्रा को n से प्रदर्शित किया जाता है। अब इन सेवन जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल जिस तरीके से हम लोगों ने इनको नोटेशन दिए हैं, इसके आधार पे हम विमा और विमीय सूत्र के लिए कुछ नई परिभाषाएं, कुछ नया अध्ययन करने जा रहे हैं। देखें एक बार, किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर कुछ घातें लगाकर उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी जो व्युत्पन्न राशियां हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हें मूल राशियों के रूप में व्यक्त यदि करें तो मूल राशियों के ऊपर कुछ घातें लगानी होगी हमको। एग्जाम्पल लेके डिस्कस करें तो हमारे अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्षेत्रफल है, एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई, लंबाई के लिए हम लिखेंगे एल, तो ये एल लिखा हमने। चौड़ाई, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर ही है, लंबाई वाली यूनिट रहेगी इसकी भी, तो चौड़ाई के लिए लिखा हमने L। सो लंबाई के लिए L इंटू एल, दैट इज L2। L2, L स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं हमने, L2 बोला है, विमाओं को L2 के रूप में बोलते हैं। सो क्षेत्रफल के लिए क्या हो गया हमारे पास L2, L मूल राशि है, उसके ऊपर हमने घात लगा दी दो। आयतन यदि हमें लिखना है, आयतन को हम लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों का ही मात्रक मीटर होगा। सो एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल थ्री। घनत्व यदि लें हम, डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, इट्स द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान यानी एम, आयतन यानी एल क्यूब, सो इट्स सॉरी एल थ्री, एम बाय एल थ्री, तो ये हो जाएगा एम एल टू द पावर माइनस थ्री। ये ऊपर आएगा एल, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस साइन हो जाएगी। सो एम एल माइनस थ्री, किसके लिखा हमने ये, हमने ये लिखा है घनत्व के लिए। तो क्या इसको जनरलाइज करें, हमने जो अभी भी किया है इसको, कि भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रकों पर जो घातें लगानी पड़ती है उन्हें हम उस राशि की विमाएं कहते हैं। मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई हमने, जैसे यहाँ एम के ऊपर वन, L के ऊपर माइनस थ्री, तो ये विमाएं कहलाती हैं। कैसे, बात करें, यदि किसी राशि की विमाएं द्रव्यमान में A, लंबाई में B, समय में C तथा ताप में D हो, ये विमाएं हमेशा मूल राशियों में होंगी, जो सात हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं अपन। तो उस राशि के विमाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, एम ए एल बी टी सी थीटा डी। यदि ए बी सी और टेम्परेचर में डी यदि उसकी विमाएं हैं तो हम उसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है। मूल राशियों पर जो घातें लगाई जाती है, इस केस में ए बी सी और डी,
ई विमाएँ होगी उस राशि की, जिस राशि को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी क्षेत्रफल के लिए लिखा था हमने, क्षेत्रफल के लिए हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू एल, तो हमने लिखा था एल टू। जनरली एम एल और टी, वैसे तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेकिन विमाएँ जब हम लिखते हैं तो एम एल टी को अपन जनरल मानते हैं, यानी एम एल और टी के रूप में लिखा जाता है। यदि इनसे संबंधित कोई घात है तो उसकी पावर आ जाएगी कुछ, जो भी है, नहीं है तो उसको अपन जीरो करके लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है विमाओं की। सो क्योंकि केवल एल टू है यहाँ पे, एम और टी की घात हो जाएगी जीरो। तो हम क्षेत्रफल के लिए लिख सकते हैं एम जीरो एल टू टी जीरो, अर्थात क्षेत्रफल की द्रव्यमान में विमा है जीरो, लंबाई में विमा टू तथा समय में विमा है जीरो। आयतन के लिए यदि लिखना चाहें अपन, आयतन को लिखा था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दैट इज एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल थ्री। जनरल फॉर्म में लिखें इट्स एम जीरो एल थ्री टी जीरो। इसलिए आयतन की द्रव्यमान में विमा जीरो, एम जीरो यहाँ पे, लंबाई में विमा तीन तथा समय में विमा जीरो है। वही एग्जाम्पल लेके डिस्कस कर रहे हैं जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, उन्हीं को इस फॉर्म में देखते हैं अपन की कैसे कर सकते हैं। घनत्व डेंसिटी द्रव्यमान बटे आयतन, एम वन एल माइनस थ्री लिखा था अभी अपन ने पहले, सो इट्स एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो। किसकी विमाएँ हो गई, ये विमा होगी घनत्व की, अर्थात घनत्व की द्रव्यमान में विमा वन, लंबाई में विमा माइनस थ्री और समय में विमा जीरो हो गई। ये बात की अपन लोगों ने विमाओं की, क्या कहा है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है। विमीय सूत्र यदि हमें लिखना हो तो किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि की किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। मतलब ये जो लिखा हुआ है विमाएं तो है, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जीरो टू एंड जीरो, ये तो है उसकी विमाएं, और विमीय सूत्र ये पूरा एम जीरो एल टू टी जीरो, ये उसका विमीय सूत्र हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र माने डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम जीरो एल टू टी जीरो। इसी तरह ये आयतन का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये घनत्व यानी डेंसिटी का विमीय सूत्र, इस तरीके से लिखते हैं अपन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कैपिटल एम एल टी लिखते हैं, एम की विमा नहीं हो तो भी हम एम एल ओ टी तीनों लिखते हैं, एम एल ओ टी की जिसकी विमा नहीं है वो जीरो में आ जाएगा, बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इनको लिखने के लिए। और यदि इस विमीय सूत्र को उस राशि के इक्वल में करके लिख दें अपन तो ये उसका विमीय समीकरण हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। कैसे, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को, ये सब समीकरण मिल गया, हमने क्या किया इस विमीय सूत्र को उस राशि के बराबर लिख दिया, तो ये जो समीकरण मिल गया हमें इसको अपन उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, डिस्कस किया हमने विमा की बात की, विमा किसे कहते हैं, मूल राशि की घातों के रूप में यदि लिखें तो जो घात हैं उनको अपन विमा कहते हैं। यदि उसको इस फॉर्म में लिखें एम एल टी के फॉर्म में तो ये विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और इस डायमेंशनल फॉर्मूला को विमीय सूत्र को उस राशि के बराबर में लिखें तो जो इक्वेशन मिलेगी उसको अपन कहते हैं विमीय समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी राशि के लिए, यानी व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि के रूप में लिख रहे हैं, मूल राशि की घातों के रूप में लिख रहे हैं अपन। क्या ध्यान रखना है हमें विमा लिखते टाइम, हमें ये कुछ बातें हैं जो स्पेशल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं अपन। एक ही भौतिक राशि के कई मात्रक हो सकते हैं किंतु विमीय सूत्र एक ही होगा। जैसे बल के लिए हमने कहा था बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, और एसआई में हमने उसको कह दिया न्यूटन। मात्रक अलग अलग हो गए लेकिन विमीय सूत्र उसका एक ही होगा, क्या होगा देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद अपन। किसी भौतिक राशि की विमा उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती है, यूनिट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है विमा, चाहे यूनिट एम के एस में लिखी हो या सी जी एस में लिखी हो या एस आई में लिखी हो या एफ पी एस में लिखी हो, डायमेंशंस उसकी विमा हमेशा वही रहेगी।
इसके अलावा यदि कोई शुद्ध संख्या है, कोई संख्या है जैसे 1, 2, 3, पाई, पाई भी एक संख्या है, अनुपात भी कह सकते हैं, 22/7, 3.14 हम जानते हैं। तो शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमान नहीं होती है, जिससे एंगल, एंगल को अपन चाप बटे त्रिज्या लिखते हैं, एंगल का मात्रक हमने बताया, एंगल का मात्रक हम लोगों ने समतल कोण का मात्रक बताया, रेडियन, मात्रक रेडियन है लेकिन उसकी कोई विमान नहीं है। साइन थीटा, इस तरह के जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, लोग में कोई राशि लिखी हो, पाई नंबर है, अनुपात है, 1, 2, 3 नंबर है, तो इनकी कोई विमा नहीं होती है। विमा और विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन, जो हमें थोरोली इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में फिजिक्स और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन विमाओं के, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखे हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट्स, द्रव्यमान, मात्रक होता है किलोग्राम, और इसको अपन लिखते हैं एम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम या एम वन, ये 7 है जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा, ये 7 फंडामेंटल्स हैं, तो ये इनकी विमा होगी। अब इनके रूप में हमें बाकी राशियों को लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, कितना आसान है, एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें वेग, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। किसी भी भौतिक राशि की यदि हमें विमा निकालनी है तो हमें उसका मात्रक पता होना चाहिए, और मात्रक पता होने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हमें इस भौतिक राशि का फॉर्मूला पता है, हम मात्रक की बात कर सकते हैं, यूनिट की बात कर सकते हैं, और यूनिट हमारे सामने है तो यूनिट, क्योंकि ये फंडामेंटल से ही मिलकर बनी है, इन सब के विमाएं हमारे पास है, तो हम इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। देखें एक एक करके आगे, धीरे धीरे समझ में आएगी चीज़ें। वेग मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी लंबाई, लंबाई यानी एल वन, डिवाइडेड में है सेकेंड, सेकेंड यानी टी वन, सो इट्स एल वन बाय टी वन, ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, सो इट्स एम जीरो एल वन टी माइनस वन, डिनोमिनेटर में है टी वन, न्यूमिनेटर में लाएंगे तो माइनस वन हो जाएगी पावर। तो वेग की विमा या वेग की डायमेंशंस या वेग का विमीय सूत्र क्या हो गया हमारे पास, एम जीरो एल वन टी माइनस वन। नेक्स्ट है त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड बटा समय, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, हमने डिस्कस किए हैं। सो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी एल वन, सेकेंड स्क्वायर यानी टी टू, ऊपर आएगा न्यूमिरेटर में टी माइनस टू हो जाएगा, एम है नहीं, सो इट्स एम जीरो एल वन टी माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है बल, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया, हमें सबसे पहले फॉर्मूला की बात करेंगे, फिर हमारे पास डायमेंशन, फिर हमारे पास यूनिट होनी चाहिए, फॉर्मूला, उसका मात्रक, तो हम डायमेंशन तुरंत लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। बल, बल का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एम ए, एम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी किलोग्राम, ए यानी त्वरण, त्वरण का मात्रक हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक हो गया बल का, न्यूटन भी लिखते हैं अपन एसआई में, सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मात्रक हो गया। विमा लिखनी है, देखो किलोग्राम के लिए हम लिखेंगे एम वन, मीटर के लिए लिखेंगे अपन एल वन, ये सेकेंड स्क्वायर है यानी टी टू है, न्यूमिनेटर में है, हर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, हर में है, ऊपर लेके आएंगे अंश में, न्यूमिनेटर में लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, सो इट्स एम वन एल वन टी माइनस टू, इट्स एम वन एल वन टी माइनस टू, किसकी विमा आ गई हमारे पास, ये है बल की विमा, फोर्स की विमा। कुछ और डिस्कस करें नेक्स्ट, कार्य, वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक अभी अभी हमने लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विस्थापन यानी मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई में जूल भी लिखते हैं इसको अपन, यहां देखें किलोग्राम यानी एम वन, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर यानी एल टू, सेकेंड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा टी माइनस टू,
सो कार्य की विमा एम वन एल टू टी माइनस टू, ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी को हम लिखते हैं एनर्जी, यस पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनर्जी और वर्क के मात्रक समान होते हैं, जूल से ही डिनोट किया था हम लोगों ने। एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है अलग अलग क्षेत्र पर, किस तरह के फील्ड में किस तरह की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। देर आर सो मेनी सॉर्ट ऑफ टाइप्स, से गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या घूर्णन ऊर्जा, कई तरीके के वो हैं इनके हमारे पास फॉर्मेशन, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं बट मात्रक जो है ऊर्जा का वो हमेशा जूल ही होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें, याद रखें कि कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान हैं, और क्योंकि मात्रक समान है इसलिए विमाएँ भी समान होगी। एम वन एल टू टी माइनस टू कार्य के लिए द सेम इज एम वन एल टू टी माइनस टू ऊर्जा के लिए। ओके, नेक्स्ट संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम है पी, पी का फॉर्मूला होता है एम वी, मास इंटू वेलोसिटी यानी किलोग्राम इंटू वेलोसिटी दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो किलोग्राम यानी एम वन, मीटर यानी एल वन, पर सेकेंड यानी टी माइनस वन, सो एम वन एल वन टी माइनस वन मोमेंटम यानी संवेग की विमा होगी। शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य करने की दर, सो इट्स कार्य बटा समय, वर्क बाय टाइम। वर्क की विमा हमारे पास थी एम वन एल टू टी माइनस टू, सो इट्स एम वन एल टू टी माइनस टू वर्क की विमा रखी हमने। समय के लिए टी वन, तो हमारे पास आ गया एम वन एल टू, ऊपर टी माइनस टू पहले से है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा माइनस वन तो हो जाएगा माइनस थ्री, एम वन एल टू टी माइनस थ्री शक्ति यानी पावर की विमा आ गई हमारे पास। ये भी एक तरीका है विमाएं डिटरमाइन करने का। यहाँ तक तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि हमारे पास जो भी भौतिक राशि की विमा चाहिए उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा, मात्रक हमारे पास होगा, तो विमा निकाल लेंगे हम। और यदि किसी फॉर्मूला हमारे पास है और कार्य समय दोनों की विमाएं हमें पता है, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये ध्यान रखिए हम आगे वही विमाएं डायरेक्ट काम में लेंगे जो हमने सॉल्व कर ली हैं पीछे, अदरवाइज कुछ नया आएगा तो हम उसको समझेंगे। शक्ति कार्य बटा समय, कार्य की विमा, समय की विमा, फाइनली हमारे पास शक्ति की विमा आ गई है एम वन एल टू टी माइनस थ्री। नेक्स्ट है प्रेशर यानी दाब, दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल की विमा हमने डिटरमाइन की है अभी, बल की विमा लिखी थी हमने यहाँ पे अभी, ये लिखा हुआ बल की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू, बस इसी को काम में लेना है हमें। बल की विमा इस एम वन एल वन टी माइनस टू, क्षेत्रफल के लिए एल टू, तो ये हमारे पास आ गया एम वन, ये ऊपर एल वन है नीचे एल टू, ऊपर जाएगा एल माइनस टू, तो ये हो जाएगा एल वन माइनस टू दैट इज एल माइनस वन, सो एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू दाब का विमीय सूत्र आ गया हमारे पास। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी होती है वन बाय सेकेंड, वन बाय टाइम फॉर्मूला है उसका, वन बाय सेकेंड उसका मात्रक है, एसआई में उसको हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो आवृत्ति की विमा होगी एम जीरो है, एल जीरो है, टी माइनस वन फ्रिक्वेंसी की विमा है हमारे पास। विकृति, विकृति यानी स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन भी लंबाई के मात्रक में ही होगा, प्रारंभिक लंबाई भी लंबाई के मात्रक में यानी मीटर बाय मीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, विमा आएगी एम जीरो एल जीरो टी जीरो यानी विकृति विमाहीन राशि है, मीटर बाय मीटर ये भी कैंसिल हो गया यानी मात्रकहीन, तो विकृति जो है स्ट्रेन मात्रकहीन यानी यूनिटलेस और विमाहीन यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रतिबल की बात करें, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला है बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल का फॉर्मूला वही है जो दाब का है, दाब का बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल के लिए भी बल बटे क्षेत्रफल, फॉर्मूला सेम है, मात्रक सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगी, डायमेंशन हमने वही लिखी है यहाँ पे एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू जो हमने प्रेशर की लिखी है। सो दाब और प्रतिबल के मात्रक और विमा समान होते हैं। कुछ और डिस्कस करें हम, प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें भौतिक राशियों के नाम कुछ नए लगें, कुछ नए हों जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हों, हमारी जानकारी में नहीं हों, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस चैप्टर में हम डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो फॉर्मूला कहाँ से आया इस बात को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें हम, फॉर्मूला क्या है ये हमने लिखा हुआ है तो ये देखें, कहाँ से आया ये नहीं सोचना है,
क्या है ये हमने लिखा हुआ है, देखिए। और उस फॉर्मूले के बाद में, जैसे यहाँ बल बटे लंबाई लिखा है, पृष्ठ तनाव के लिए बल बटे लंबाई लिखा। पृष्ठ तनाव क्या होता है पढ़ेंगे हम जब चैप्टर में आएगा, यहाँ उसकी डायमेंशन डिस्कस करनी है हमें। सो फॉर्मूला हमने लिखा है डायरेक्ट, ऐसा माने अपन, और फिर क्योंकि बल और लंबाई हम जानते हैं तो उनकी डायमेंशंस का यूज करके हमें इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बस। प्रत्यास्थता गुणांक को हम लिखते हैं प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल के लिए हमने अभी लिखा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, विकृति विमाहीन है तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा वही होगी जो प्रतिबल की है, दैट इज एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई होता है, अभी अपन ये जान लें, जब चैप्टर में आएगा अगले कुछ चैप्टर्स में तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे। बल बटे लंबाई, बल का विमा है एम वन एल वन टी माइनस टू, लंबाई के लिए लिखते हैं एल वन, सो ये हो जाएगा एम वन, ये खत्म हो जाएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, टॉर्क के लिए हम लिखते हैं बल इंटू दूरी, बल यानी एम वन एल वन टी माइनस टू, दूरी यानी एल वन, तो हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू। स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए ये वाला एक फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, एफ फोर्स है एक्स विस्थापन है, तो के इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाई एक्स। केवल मतलब केवल हम मात्रक की बात करें, साइन को छोड़ दें, माइनस साइन तो फॉर्मूले में काम आ रहा है, इसका मात्रक हो जाएगा एफ का मात्रक न्यूटन, एक्स का मात्रक मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का होता है, अभी अभी हम लोगों ने न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का भी निकाला है, तो ये विमा हो जाएगी बल नियतांक की भी, न्यूटन, ये न्यूटन पर मीटर, तो निकल के आएगा एम वन एल जीरो टी माइनस टू, इट्स एम वन एल जीरो टी माइनस टू, किसके लिए फोर्स कांस्टेंट के लिए, स्प्रिंग के फोर्स कांस्टेंट के लिए। नेक्स्ट कोणीय वेग, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन कोण का मात्रक है, कोण विमाहीन है, अभी कहा था हमने थोड़ी देर पहले विमाहीन है, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सेकेंड इज टी वन, तो कोणीय वेग की विमा आ जाएगी एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। नेक्स्ट जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान यानी एम वन, दूरी का स्क्वायर यानी एल टू, टी नहीं है इसलिए टी जीरो, तो एम वन एल टू टी जीरो किसका विमीय सूत्र हो गया, जड़त्व आघूर्ण का। आप सभी बच्चों को इसको पढ़ने के साथ साथ इसको राइट डाउन करके करें, खुद से करके करें या साथ के साथ करें, जैसे हम करते जा रहे हैं हमारे साथ साथ आप करते जाएं तो ये समझ में आ जाएगा। ये सब विमाएं जो विमीय सूत्र रटनी नहीं है, हमें लर्न बाय हार्ट नहीं करनी है, समझना है, समझ के अपने आप सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी, एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का एफ का, दैट इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, एम वन एम टू द्रव्यमान है, आर दूरी है, ये जो जी है, दिस जी इज नोन एज यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। तो जी का मान यहाँ से आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला ऐसा मान लें अभी अपन के डायरेक्ट आया है, आगे किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन। तो जी का मान यहाँ से आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है तो यहाँ से जी की विमा निकालनी हमें, एफ का मात्रक न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, एम वन एम टू यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर, एन यानी न्यूटन, न्यूटन के लिए हम लोगों ने लिखा है एम वन एल वन टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर यानी एल टू, किलोग्राम स्क्वायर यानी एम टू। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा ऊपर एम वन है, नीचे एम टू माइनस टू हो जाएगा, तो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, सो एम माइनस वन, एल वन और एल टू मिलकर हो जाएगा एल थ्री, टी माइनस टू, सो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का हमारे पास आ गई विमा ये। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भौतिक राशियों के कुछ और डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। थैंक यू।